वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की बात की जाए तो 10.90 पे आज क्लोजिंग दिए। ऊर्जा ग्लोबल में हल्की सी गिरावट देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो देख सकते कि ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक की मोमेंटम की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी वो 10.95 लेवल थी। आज ओपन हुआ तो स्टॉक गैप अप से, पर देख सकते कि 11 लेवल फिर से रिजिस्टेंस एक्ट होती हुई नजर आ चुके। गैप अप से ओपन हुआ, जिस लेवल पे ओपन हुआ वैसे गिरावट देखने को मिले। फिर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो यहाँ पे आप देख सकते कि उसको भी ब्रेकआउट किया एंड ऑफ द डे में, उसी के नीचे क्लोजिंग दे चुका था। एक्यूरेटली देखा जाए तो 11 लेवल फिर से रजिस्ट्रेशन एक्ट होने लगी है, क्योंकि 11 लेवल पे भी काफी समय रजिस्ट्रेशन ले रहा था ऊर्जा ग्लोबल स्टॉक। आज के दिन में मार्केट कैप देखोगे तो 600 करोड़ के नीचे आ चुके हैं। मार्केट कैप 600 करोड़ के नीचे, पी रेशियो तो बहुत ही हाई है अभी भी। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो देख सकते स्टॉक के अंदर यहाँ पे कोई खास मूवमेंट नहीं, तेजी देखने को मिली थी पर फिर से गिरावट हो चुकी है। आज के दिन का जो वॉल्यूम है वो 3,97,000 का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है टोटली यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल में। उसी के साथ ट्रेडेड वैल्यू की बात की जाए तो 43 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते कि अपर सर्किट लोअर सर्किट लेवल भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि पिछले 3 दिनों से बेरिश मूवमेंट देखने को मिले ऊर्जा ग्लोबल में। 11 लेवल के और रेजिस्टेंस भी काफी दिनों से लगता हुआ नजर आ चुका है ऊर्जा ग्लोबल के लिए। फिर वही से गिरावट देखने को मिले, तो फिर से गिरावट होती है स्टॉक तो 10.50 तक जाने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट ऊर्जा ग्लोबल के लिए।